सबसे लोकप्रिय चैनल बोलता शब्द लाइव न्यूज और मैं हूं नेहा शुक्ला आपके साथ। आइए चलते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं का सम्मान करने के उद्देश्य से कटनी जिले में विभिन्न आयोजन किए गए। जिला प्रशासन ने जहां दिव्यांग बालिकाओं को एक दिन का संकेत कलेक्टर बनाया तो वहीं पुलिस प्रशासन ने महिला पुलिस कर्मियों को यातायात की कमान सौंपी। महिला थाना प्रभारी मंजू शर्मा ने बताया कि विश्व महिला दिवस के अवसर पर पुलिस मुख्यालय से शहर की यातायात व्यवस्था की कमान महिला अधिकारियों और कर्मचारियों को सौंपने के निर्देश मिले थे, जिसके परिपालन में पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में शहर में पदस्थ महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर यातायात व्यवस्था संभाली। कटनी की यातायात की बागडोर संभाल रही महिला थाना प्रभारी कर्मचारियों ने हेलमेट और मास्क पहने लोगों को फूल देकर सम्मानित किया। वहीं बिना हेलमेट और मास्क पहने वाहन चालकों को साथ ही महिलाओं का सम्मान करने और अपराध के संबंध में सभी जानकारी दी गयी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कटनी के निर्देशानुसार कटनी जिले के विभिन्न चौराहों में DSP से लेकर आरक्षक तक की सभी महिला पुलिस अधिकारियों का यातायात सुचारू रूप से संचालन हेतु ड्यूटी लगाई गई है, जो कटनी जिले के विभिन्न चौराहों यहां तक कि देहात में भी महिला पुलिस अधिकारी और कर्मचारी यातायात का संचालन कर रही हैं। और इसके अनुसार जो भी व्यक्ति दोपहिया वाहन में हेलमेट गाड़ी के कागजात लेके चल रहा है उसे प्रोत्साहित करने के मोटिवेट करने के लिए फूल देकर के उनका सम्मान कर रही है और ये बहुत ही अच्छा नवाचार रहा है। पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्देशित नवाचार बहुत ही अच्छा रहा है। पब्लिक का काफ़ी अच्छा फीडबैक प्राप्त हो रहा है और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि महिला पुलिसकर्मी संचालन कर रही हैं, साथ ही क्राइम से संबंधित जानकारी भी दे रही है। पुलिस विभाग के द्वारा महिला पुलिस का सम्मान किया गया क्या? पुलिस विभाग के द्वारा महिला पुलिस का सम्मान किया गया क्या? पुलिस विभाग के द्वारा महिला पुलिस कर्मियों का सम्मान किया गया है। जी हाँ, जिला स्तरीय समिति के द्वारा कलेक्टर साहब और पुलिस अधीक्षक महोदय और एक दिवस के सांस्कृतिक कलेक्टर महोदय के समक्ष आगे तो जो है पुलिस विभाग का सम्मान किया गया है और आगे भी चलता ही रहता है सम्मान। अच्छा, ऐसा लगता है कि साल में एक दिन सम्मान होता महिलाओं का, बाकी दिन कई मामले थाने में आते हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि तीन तो पहले से सम्मान होता रहे, ऐसा पॉसिबल है? कि थाने में बहुत सारे मामले आते हैं, हम भी उनको यही समझाइश देते हैं कि कोई एक दिन विशेष महिला दिवस होना चाहिए, सम्मान का प्रत्येक दिन होना चाहिए और ये शुरुआत हमें अपने घर से ही करना चाहिए। पत्नी बच्ची उनका सम्मान हमें तीन सौ पाँच सम्मान किसी विशेष दिन का इंतजार हमें नहीं करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट कटनी से श्यामलाल सूर्यवंशी।